जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को WHO फाउंडेशन का नया CEO नियुक्त किया गया है? ए पुनीत राघव, बी प्रकाश जावेदकर, सी अनिल सोनी या डी रवि प्रकाश। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। भागलपुर, किसान बिल के खिलाफ भारत बंदी को लेकर किसान सहित विपक्ष उतरे सड़क पर। किसान बिल के खिलाफ किसान सहित विपक्षी किसान के समर्थन में भारत बंदी को लेकर भागलपुर के सड़क पर उतरे। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ किसान बिल को लेकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने केंद्र सरकार को किसान बिल को काला बिल बताते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया है और बिल वापसी तक आगे अनवरत आंदोलन जारी रखने की बात कही है। विगत दिनों कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल लाया और तीनों कृषि बिल बिना सदन बुलाए पास करा लिया और वो तीनों कृषि कानून जो है विनाशकारी है, किसानों के लिए ओहितकर है, हानिकारक है और किसानों को उनके मूल्यों का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। 2006 में MSP बिहार में बंद कर दिया, जिसके चलते किसानों के जो अन्न पैदावार होता है उसका खरीदगी सरकार के द्वारा नहीं हो सकती है। 1% भी अन्न की खरीदगी नहीं होती है, किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, खाद बीज नहीं मिलता है। अभी मालगुजारी, जब हम लोग की सरकार थी तो मालगुजारी 2 रुपया से 5 रुपया थी, लेकिन आज जो बिहार सरकार है उसमें मालगुजारी 500 से 600 है और उनके जो दलाल हैं, जो कर्मचारी के साथ रहते हैं, उन्होंने मोटेशन के नाम पे 5,000 से 10,000 तक वसूलते हैं। इन सारी आज जितनी नलकूप थी, पहले हम लोग के सरकार में जो नलकूप लगाया गया था जल संसाधन विभाग के द्वारा, लघु सिंचाई विभाग के द्वारा, वो सारे नलकूप बंद है। किसानों को सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, उर्वरक नहीं मिल रहा, यूरिया की कमी है। इन सारे मांगों को लेकर किसानों का जो आज भारत बंद है, उनका महागठबंधन के सभी दल उनका समर्थन किए हैं भारत बंद का, और आज मजबूती से किसानों के हर मांगों के साथ महागठबंधन परिवार कदम से कदम मिलने के लिए, मिला के चलने के लिए तैयार है। भारत बंद का समर्थन किए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के द्वारा। पूरे बिहार में आज किसान के आंदोलन को लेकर भारत बंद का समर्थन किया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, BJP की सरकार, किसान विरोधी, गरीब विरोधी है। इस बिल के आड़ में किसानों को शोषण करने का काम किया है और बड़े बड़े कंपनियों को किसान के हाथों बेचने का काम करेगी। इसलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान विगत 10 दिनों से उन स्टेटों के किसान वहां धरना पर बैठे हुए हैं, उसके समर्थन में बिहार के भी किसान और जन अधिकार पार्टी राजेश रंजन पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज भारत बंद का समर्थन किया। किसानों को सवाल को लेकर के आज पूरा देश, पूरा भारत संपूर्ण बंद है। उसी रूप में आज भागलपुर में भी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, CPI, CPM, माले, सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग किसानों के समर्थन में बढ़ते महंगाई के सवाल पर जो है सड़क पर उतरे हैं। लोगों का समर्थन है, पूरा भागलपुर बंद है, व्यवसायी वर्ग भी बंद करके रखे हुए हैं, किसानों के बीच काफी आक्रोश व्याप्त है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ।
जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाईटी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर में खड़ी हैवा गाड़ी को ट्रक ने मारा जबरदस्त टक्कर, ट्रक के उड़े पर खच्चे, मौके पर ही की गई जान। भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर बाईपास के पास मुख्य सड़क पर खड़ी हैवा गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हैवा गाड़ी गोपालपुर बाईपास के समीप सड़क के किनारे खड़ी थी। कुहासा होने के कारण ट्रक चालक को पता नहीं चल पाया, जिसके कारण खड़ी हैवा में जबरदस्त टक्कर मार दिया। टक्कर लगते ही ट्रक के परखच्चे उड़ गए, जबकि मौके पर एक व्यक्ति सुभाष यादव कोडरमा निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक को भगाते देख स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी, जिससे ट्रक खलासी भी जख्मी हो गया है। जख्मी गंभीर हालत में देख पुलिस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच, सुंदरम अहुना मटन, 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर पुलिस ने पूर्व मुखिया राजेश कुमार रमन हत्याकांड का किया उद्भेदन, दो आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। भागलपुर पुलिस ने पूर्व मुखिया राजेश कुमार रमन उर्फ पप्पू भगत हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि मामले में संलिप्त पीरपैती थाना क्षेत्र के खवासपुर कहलगांव टोला निवासी प्रेम रंजन यादव और पीरपैती थाना क्षेत्र के ही कैलाश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 20 को इसाकचक थाना क्षेत्र में शाम के समय गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, जिसमें खगड़िया जिला के रहने वाले पसराहा थाना क्षेत्र के एक जो मुखिया पति श्री पप्पू कुमार भगत जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और साथ ही साथ उसी गोलीबारी की घटना में जो घटना कारित करने आए एक अपराधी रतन कुमार साह, जो मुंगेर जिला का रहने वाला है, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में साक्षक थाना कांड संख्या 155/2020 तथा एक अन्य साक्षक थाना कांड संख्या उसमें दर्ज किया गया है। दो मामले दर्ज किए गए हैं और इस मामले के त्वरित उद्भेदन तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वहां पे घटनास्थल पर पहुंच करके जांच किया गया था। और एएसपी सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा छापेमारी करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है प्रेम रंजन यादव, जो कि खवासपुर का रहने वाला है, जो कि खवासपुर कहलगांव टोला पीरपैती थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तथा जो अपराधियों का जो वाहन चालक है कैलाश यादव, जो कि पीरपैती का ही रहने वाला है, उसको एक उजला रंग का वाहन XUV500, जिसको अपराध की घटना करने में जिसका उपयोग किया गया था, उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन सभी जो दो अपराधी जिनको की गिरफ्तारी हुई है, उनके द्वारा इस मामले में जो लोग शामिल थे, खास करके घटना करने के समय जो लोग शामिल थे, उनके संबंध में काफ़ी सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें एक लाइसेंसी पिस्टल, 26 चक्र जिंदा गोली, एक मैगजीन लगा पिस्टल, मैगजीन में लगा 4 जिंदा गोली, 2 9mm बोर का खोखा, 7.65 बोर का एक खोखा, 7.65 बोर का एक मिसफायर गोली और एक वाहन और दो मोबाइल। इसमें जो वाहन और मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है, और जो इसके अतिरिक्त जो पिस्टल और गोली की बात है, वो उस समय जो दोनों मृतक हैं उनके पास से वो बरामद किया गया था। जो मृतक राजेश कुमार रमन और पप्पू भगत, उनके पास से एक लाइसेंसी पिस्टल और कुछ गोली बरामद किया गया था। और मृतक अपराधी रतन कुमार साह के पास से एक देसी कट्टा और साथ में गोली बरामद किया गया था। इसमें मुख्यतः घटना करने से पूर्व सभी अपराधी को जो इकट्ठा हुए थे प्रेम रंजन यादव के यहाँ, और घटना के
के दिन वहीं से आकर के घटनाकारित किए और घटनाकारित करने के बाद भी वो उनके पास गए थे छुपने के लिए जो अपराधी थे, और साथ में जो वाहन चालक है उसकी भी इस मतलब उनको लाने ले जाने में और भगाने में उसकी भूमिका रही है। नवगछिया, किसान बिल के विरोध में घोषित भारत बंद का नवगछिया में रहा मिलाजुला असर। किसान बिल के विरोध में किसान महासभा एवं महागठबंधन के घटक दल के द्वारा पूर्व घोषित भारत बंद का असर नवगछिया में भी रहा। भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, प्रखंड सचिव रामदेव सिंह, इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय, जिला कमेटी सदस्य पुरुषोत्तम दास, राजद नेता संजय मंडल, आपदा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक यादव, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु यादव, मनोज मंडल उर्फ महेश फौजी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व नेता द्वारा नवगछिया शहर के मुख्य बाजार महाराजी चौक, मक्खातकिया चौक, गौशाला रोड, हरिया पट्टी में मार्च कर शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाया। इस दौरान वैशाली चौक एवं महाराजी चौक को घंटों जाम रखा गया। वहीं इस दौरान अंत में सभा को संबोधित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि तीनों काले कानून खेती व किसान को चौपट कर किसानों को कॉरपोरेट पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए है। चाहिए कि नहीं होनी चाहिए साथियों, मैं आपको एक बात कहने आया हूं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि 9 तारीख को नरेंद्र मोदी ने समझौता को नहीं माना, 3 काला कानून जो कृषि विरोधी है, किसान विरोधी है, खेत खेती किसान विरोधी है, उसको वापस नहीं लिया, और जो प्रस्तावित बिल है बिजली बिल 2020 उसको अगर वापस नहीं लिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नवगछिया की धरती से दिल्ली के किसानों को एक आवाज मिलनी चाहिए, और नवगछिया में जनता कर्फ्यू, किसान कर्फ्यू की घोषणा होगी। हम लोग चारों तरफ गांव गांव जा करके नवगछिया की पूरा घेराबंदी करके यहाँ से दिल्ली में लड़ने वाले। किसान विरोधी बिल के बारे में क्या कहना है आपका? हमारा जो है किसान विरोधी जो नीति बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, ये एकदम महा विरोधी किसान विरोधी नीति है। इसको हम लोगों ने धरना के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराए कि आज की 8 तारीख की बंदी हमको यहाँ पर व्यवसायी वर्ग, छोटे व्यवसायी, सभी किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर सभी में लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया। इस बंदी को सफल बनाने में सभी किसान बिल के विरोध में बंदी को सफल बनाया, और इस सफलता के कारण हम लोग आगे की लड़ाई भी, जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेगा तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। शंकर सिंह अशोक, कांग्रेस। नवगछिया, ओटी से वार्ड तक पहुंचाने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में लिए जा रहे थे पैसे। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहे बंध्याकरण में ओटी से अस्पताल तक स्ट्रेचर पर पहुंचाने के लिए 50 रुपए लिए जा रहे थे। जब उक्त आशय की जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक राजू प्रधान से की गई तो उन्होंने मामले में छानबीन किया और मामला सत्य पाया गया। स्वास्थ्य प्रबंधक राजू प्रधान ने कहा कि मामले में दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया के विभिन्न चौक चौराहे पर मुस्तैद थे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी। भारत सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में किसान महासभा, वाम दल, राजद एवं कांग्रेस के द्वारा घोषित भारत बंद को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विधि व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन स्तर से अनुमंडल के सभी चौक चौराहे व पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रशासनिक स्तर से नवगछिया शहर में 5 एवं अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड के कुल 17 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। मंगलवार की सुबह से सभी चौक चौराहे पर पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी मौजूद थे। नवगछिया, बोले जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, बंदी बेअसर, आंदोलन में शामिल नहीं हुए एक भी किसान। नवगछिया, जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि नवगछिया में किसान आंदोलन पूरी तरह से विफल रहा, इस आंदोलन में एक भी किसान शामिल नहीं हुए। जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस बात से स्पष्ट है कि तमाम विपक्षी पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। बोले भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, किसानों को बरगला रहे विपक्षी दल।
भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को अब कोई काम नहीं रहा, इसलिए वे लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नवगछिया में भारत बंद पूरी तरह से विफल रहा है। बिल्कुल गलत है ये। कैसे गलत है? कैसे गलत है? कृषि कानून जो पास हुआ है या पास हो रहा है, वो किसानों के हित को ध्यान में रखकर उनकी आय इससे दोगुनी होगी, उनको सीधा फायदा उनके हक में जाएगा। ये लोग तो कह रहे हैं कि आय दोगुनी नहीं होगी, कॉरपोरेट पे कब्जा हो जाएगा। जी तो नहीं, बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं, ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं जी। तो चुनाव के समय भी 10 लाख नौकरी दे रहे थे जी। तो 10 लाख नौकरी कहाँ से आएगी जी? उसको क्रिएट किया जाएगा तब ना आएगा जी। घर में बैठे मुंह से बोलने से 10 लाख नौकरी आ जाएगी? विपक्ष है, विपक्ष का काम है हल्ला करना, हल्ला कर रही है और क्या। नरेंद्र मोदी अभी देश के सच्चे सिपाही, सच्चे सपूत है, और वो किसानों के हक को, हित को ध्यान में रखते हुए उनके हक के लिए जो अच्छा है वो कानून बनाया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारे सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नौगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। नवगछिया का एक ऐसा संस्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल कुड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया रंगरा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का ब्रेन हेमरेज, पटना एम्स में चल रहा था इलाज। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुप्ता नारायण सिंह का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण हो गया। पटना एम्स में श्री सिंह का इलाज चल रहा था। शिक्षा पदाधिकारी मूल रूप से बक्सर जिले के राजपुर गांव के रहने वाले थे। BRC रंगरा चौक के वरीय प्रखंड साधन सेवी मुकेश मंडल ने बताया कि गत 23 नवंबर के पूर्वाहन करीब 9:30 बजे BO साहब अचानक रंगरा BRC में बेहोश हो गए थे। आनन फानन में BRC कर्मियों द्वारा रंगरा PSC ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के उपरांत मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। मायागंज भागलपुर में CT स्कैन होने के बाद पता चला कि इनको ब्रेन स्ट्रोक आया है। तत्काल पटना रेफर किया गया। पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद 3 दिन पूर्व एम्स पटना में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। ढोलबज्जा 2 लीटर शराब के साथ युवक गिरफ्तार। ढोलबज्जा के कदुआ OP पुलिस ने देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुटनी घाट के कोसी बांध समीप एक युवक को 2 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सठवां गांव निवासी बिलास मलिक के पुत्र संजय मलिक है। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया।
नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043 67170।